नमस्कार, इंटरटैप न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड-19 तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए किया मॉक ड्रिल। जालौन कोच कोविड-19 तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में कोविड-11 हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें SEMO डॉक्टर सुग्रीव बाबू तथा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RK शुक्ला के नेतृत्व में मॉक ड्रिल में 12 साल का आयुष यादव, जो कि कोविड-19 की चपेट में था, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अटेंडर बॉर्ड बॉय दीपू के द्वारा अस्पताल में लाया गया। कपिल दुबे तथा किशन सोनी के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की गई। डॉक्टर रामकरण सिंह और डॉक्टर दिनेश बर्दिया ने मरीज का परीक्षण कर गहन चिकित्सा कक्ष में शिफ्ट किया है, जहां कोविड-19 स्टाफ की टीम ने मॉनिटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर द्वारा परीक्षण कर मरीज को समुचित उपचार कर मॉक ड्रिल का समापन किया गया। इस दौरान रेखा यादव, अनुराधा दुबे, सत्यवती वंदना पटेल, ब्रजेंद्र स्वरूप, राम सिंह कुशवाहा, माता प्रसाद आदि कर्मचारियों को ACMO डॉक्टर सुग्रीव बाबू ने कोविड-19 तीसरी लहर की संभावना के बारे में दिशा निर्देश दिए और इस मॉक ड्रिल की सराहना की। डॉक्टर RK शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच को L1 हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें 10 बेड आधुनिक तकनीक ऑक्सीजन से लैस है, पर्याप्त स्टाफ है, अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से भी स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज जो हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस से बच्चा लाया गया, ये किस मामला था, ये क्या मामला था इस बच्चे आने का? मामला था कि जो अभी हर लहर आने की संभावना है, जो कोरोना की, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की ज्यादा संभावना है, उस संबंध में यहाँ पे पीकू वार्ड बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने 10 बेड हैं, जिसमें हमारे ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था है। उसी के लिए हम लोगों ने एक बच्चे को मरीज बना के अभ्यास के लिए उसको लाए थे कि हम लोग जो मरीज आएगा तो किस तरह से हम लोग हैंडल करें। हमारे स्टाफ पर पहले से काम के लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, तो ये हम लोग रिपीट एक्सरसाइज हम लोग आगे भी खुद करते रहेंगे। आज हमारी विशेष थी शासन के निर्देशानुसार, जिसके लिए हमारे ऑब्जर्वर डॉक्टर सुखदीप बाबू जी को भेजा गया था, हमारे BDO साहब हैं, इनकी देखरेख में हम लोगों को करना था। डॉक्टर साहब, इस जो कोरोना के वो उसमें कितने वर्कर हैं आपके पास? हमारे यहाँ कमी जरूर है, लेकिन ठीक है, 3 डॉक्टर्स हैं और नर्सें हैं, कुछ हमको कमी पड़ेगी तो हम लोग दूसरे अस्पताल से लेंगे। आज ये हॉस्पिटल में सर एक एम्बुलेंस से बच्चा लाया गया, क्या है ये मामला पूरा? ये एक मॉक ड्रिल था, जो कोरोना की जो तीसरी लहर की संभावना है उसकी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल किया गया था। जो बच्चा था उसको जो है किस तरह से हैंडल करेंगे, वो जो है L1 यहाँ बनाया गया है, तो उस किस तरह से क्या हैंडल करेंगे वो तैयारी। तो इसमें कितने बेड तैयार किए गए अस्पताल में? 30 बेड यहाँ पर तैयार किए गए, 30 बेड